नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं आर पार। आपको याद होगा कभी सीए के नाम पर तो कभी 370 के नाम पर पूरे देश को किस तरह गुमराह करने की कोशिश हुई थी, लोगों के दिलों में डर बिठाया गया था। ठीक उसी तरह अब किसान आंदोलन पर भी सियासत हो रही है। कई विपक्षी दल अब पूरी तरह एक्टिव हो चुके हैं, वो भी तब जब किसान बार बार कह रहे हैं कि उनका राजनीति से कोई सरोकार नहीं है। लेकिन विपक्षी दलों में तो जैसे किसान आंदोलन में मोदी सरकार को घेरने का एक बड़ा मौका दिख गया है। यूपी में अखिलेश यादव, बंगाल में ममता बनर्जी, बिहार में तेजस्वी यादव, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल, ये वो नाम है जो खुलकर मोदी सरकार का विरोध कर रहे हैं। ये लिस्ट काफी लंबी है। इसमें उस एनसीपी का भी नाम है जिसके सर्वे सर्वा शरद पवार ने कृषि मंत्री रहते हुए 2010 में एक चिट्ठी लिखी थी जिसमें वो एपीएमसी कानून में बदलाव की इच्छा जता रहे हैं। लेकिन आज कांग्रेस के साथ एनसीपी भी मोर्चा खोले हुए है। इसने भारतीय जनता पार्टी विपक्ष पर जुबानी हमला करते हुए इसे मौका परस्त विरोध करार दे रही है। तो क्या सिर्फ विरोध के लिए मोदी सरकार का विरोध हो रहा है? आज इसी मुद्दे पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस आर पार। किसानों के कंधे से सियासी निशाना, यानी कुल मिलाकर किसान तो आंदोलन कर रहे हैं लेकिन कुछ लोग सियासी निशाना बना रहे हैं। आप नाम गिन सकते हैं, मेघा पाटकर, योगेंद्र यादव, ये सब लोग इस आंदोलन में कैसे कूद पड़े? सोच के देखिए आज का आर पार इसी पर। किसान आंदोलन पर अब राजनीतिक रंग चढ़ता जा रहा है। किसान संगठन राजनीति से दूर रहने की बात कर रहे हैं लेकिन पूरा विपक्ष सरकार के खिलाफ लामबंद हो चुका है। कन्नौज जाने की कोशिश कर रहे अखिलेश यादव को लखनऊ में रोका गया तो हंगामा खड़ा हो गया। अखिलेश यादव सड़क पर ही धरना देने लगे, बाद में उन्हें हिरासत में लिया गया। लगातार आंदोलन चलेगा, किसानों की मांग पूरी हो, किसानों की लूट नहीं हो, कानून लाया जाए कि आय दोगुनी हो। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी आज किसानों से मुलाकात की और केंद्र सरकार पर कई आरोप लगाए। उनका पूरा प्लान था कि किसानों को दिल्ली आने देंगे और फिर उनको वहां से पकड़ के उनको स्टेडियम में डाल देंगे और स्टेडियम में पड़े रहेंगे। लेकिन हम लोगों ने उनकी बात नहीं सुनी, उनको परमिशन नहीं दी और मैं समझता हूं इससे आंदोलन को मदद मिली। इसके अलावा कांग्रेस, शिवसेना, एनसीपी, बहुजन समाज पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, आरजेडी, सीपीआईएम, सीपीआई, टीआरएस, आरएलडी, डीएमके और अकाली दल किसान आंदोलन और कल होने वाले बंद का समर्थन कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये आह्वान करना चाहता हूं हमारे सभी कार्यकर्ताओं को, नेताओं को और सभी राइट माइंडेड पीपल को कि वो बढ़ चढ़कर इस बंद में सहयोग दें। ब्लॉके धरना होवे कृषक दे समर्थने एवं शिल्पे श्रमिक दे रेल हो, कोल हो, सेल हो से शुरू करे समस्त तादे समर्थने। समर्थन ही नहीं बल्कि इसमें अग्रणी भूमिका आरजेडी निभाएगी। कि हम भारत सरकार की कुछ नीतियों से सहमत नहीं है तो हमारा विरोध है ना, हमारा ये है कि आम जनता को नुकसान पहुंचे कोई। इस बीच कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने विपक्ष पर बड़ा हमला बोला है। जितनी विपक्षी पार्टियां हैं ये किसानों को भ्रमित कर रही हैं। इनका पूरा चेहरा शर्मनाक दोहरे चरित्र का है। बीजेपी का आरोप है कि 2010-11 में शरद पवार ने एपीएमसी कानूनों में बदलाव की वकालत की थी लेकिन अब विरोध कर रहे हैं। 2010 में जब शरद पवार जी खुद एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे तो सारे मुख्यमंत्रियों को उन्होंने चिट्ठी लिखी थी कि एपीएमसी एक्ट को आप अमेंड करें। 11 अगस्त 2010 को यह चिट्ठी शरद पवार ने सभी मुख्यमंत्रियों को लिखी थी जिसमें कहा गया था कि एपीएमसी कानूनों को बदलना जरूरी है और अब कृषि क्षेत्र में निजी भागीदारी बढ़ाने का समय आ गया है। पवार साहब ने एपीएमसी में इन्वेस्टमेंट की बात की लेकिन एपीएमसी के अधिकारों को खत्म करने का अधिकार नहीं दिया। शरद पवार जी ने
राज्य सरकारों को चिट्ठी लिख के उनकी राय मांगी थी। आपके राय मांगना और एक गैर संवैधानिक तरीके से कानून पास करना, अध्यादेश लाके, वो भी कोविड की आड़ में, ये दोनों चीजें बिल्कुल फर्क हैं। एक तरफ किसानों और सरकार के बीच संवाद जारी है, ऐसे में विपक्ष इतना अधीर क्यों है? क्या किसानों के कंधे से कोई और निशाना साध रहा है? आज इसी मुद्दे पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस, किसानों के कंधे से सियासी निशाना। आज मैंने डिबेट का नाम रखा है किसानों के कंधे से सियासी निशाना। ये एक सवाल है और ये सवाल जहन में क्यों आता है, इसके लिए मैं आपको कुछ दिखाने जा रहा हूं। मेरे हाथ में जो कागज है, जो किसानों की मांग के तौर पर केंद्र सरकार को सौंपे गए हैं, इसमें से मुख्यतः 6 मांग शामिल है, इसमें से छठी मांग ध्यान देने वाली है। इसमें कहा गया है कि तमाम किसानों, बुद्धिजीवियों, गायकों, वकीलों और सामाजिक कार्यकर्ताओं पर लगे सभी केस वापस किए जाएं, साथ ही जिन्हें जेल हुई है उन्हें तुरंत छोड़ा जाए। मैं अंग्रेजी में भी पढ़ सकता हूं इसको, विड्रॉल द केसेस अगेंस्ट द फॉर्मर लीडर्स ऑल ओवर इंडिया इंक्लूडिंग इंटेलेक्चुअल्स, पोएट्स, लॉयर्स, राइटर्स एंड ह्यूमन एंड डेमोक्रेटिक राइट्स एक्टिविस्ट्स, दोज हु हैव बीन जेल्ड इन फॉल्स केसेस शुड बी रिलीज्ड। सोचिए आप, ये छठी डिमांड क्या कहती है? ये छठी डिमांड कहती है कि किसानों पर जो केस हुए हैं, चलिए वो किसानों की मांग हो सकती है कि आप वापस करिए वो केस, लेकिन इसमें इंटेलेक्चुअल्स, राइटर्स, पोएट्स, लॉयर्स, ह्यूमन राइट और डेमोक्रेटिक एक्टिविस्ट और जिनके ऊपर भी केस हुए हैं, फॉल्स केसेस हुए हैं, इसका कोर्ट निर्धारण करता है जी। इसमें सरकार कैसे कर सकती है कुछ? उन केसेस को तो विड्रॉ करना चाहिए, इनकी रिलीज तुरंत होनी चाहिए। किसान अपने लिए आंदोलन करे, जायज बात है और होना भी चाहिए, लेकिन ये छठी पॉइंट, क्या जो लोग घुसपैठ कर रहे हैं किसान आंदोलन के अंदर उनकी उपज है? ये सवाल खड़ा करता है, व्यूअर्स सोच के देखिए गंभीरता से। और आज अभी थोड़ी देर पहले मेरे पास एक खबर आई है, परमजीत पम्मा जो कि 2010 में वांटेड था ट्विन वेलोसिटी ब्लास्ट इन पटियाला, अंबाला और किलिंग ऑफ द आरएसएस मैन इन 2009, यूके में जो प्रोटेस्ट होता है किसानों के आंदोलन पर उसमें आता है वो, और इसी व्यक्ति को 2016 से भारत एक्सट्राडाइट यानी पोर्चुगल से लेने की कोशिश करा था, जिस जो नहीं हो पाई थी। यानी कुल मिलाकर ये आंदोलन को, इस किसान के आंदोलन में बाहरी लोगों ने घुसपैठ करी है, राजनीतिक घुसपैठ तो है ही है। मेरे साथ बात करने के लिए डॉक्टर संबित पात्रा है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, मेरे साथ प्रोफेसर गौरव वल्लभ है, मेरे साथ इस चर्चा में सुनील सिंह यादव है, नेता समाजवादी पार्टी के एमएलसी भी है, मेरे साथ विजय सदाना है जाने माने कृषि विशेषज्ञ, मेरे साथ वीएम सिंह है ये किसान नेता है, मेरे साथ नेता जेडीयू के अजय आलोक है और शोएब जमई भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं अध्यक्ष आईएमएफ के। आप तमाम लोगों का अभिनंदन है। मैं चर्चा की शुरुआत करता हूं आपसे संबित पात्रा, और शुरुआत में मैं आपके पास आता हूं। कल भारत बंद है और इस भारत बंद में आपकी जो सहयोगी पार्टियां हैं आरपीआई वो भी शामिल है, क्या आपको लगता नहीं है कि आप विपक्ष को नहीं समझा पा रहे, किसान आपकी बात को नहीं समझ पा रहे?